नाउ स्टूडेंट्स, आपकी क्लास सिक्स लेसन वन फूड वेयर इट इज कम फ्रॉम JSM स्कूल। ओके, आपकी जो मैं स्टोरी जो मेरी बता रहा था उसको थोड़ी देर में कंटिन्यू करते हैं। उससे पहले कुछ क्वेश्चंस है वो एक बार देखते हैं। क्वेश्चन था, व्हाट इज एन इंग्रेडिएंट। तो इंग्रेडिएंट्स द सब्सटेंस वी यूज टू मेक फूड, ऐसे सब्सटेंस जो हम खाना बनाने के लिए यूज़ करते हैं, दैट्स आर इंग्रेडिएंट्स। सेम एज इट इज़ आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट योर फेवरेट डिश एंड इट्स इंग्रेडिएंट्स। आपको अपनी फेवरेट डिश बतानी है और उसके इंग्रेडिएंट्स बताने हैं। तो आप कोई भी जो आपको आपकी फेवरेट डिश है, फॉर एग्जांपल आपको खीर पसंद है, तो उस खीर बनाने के लिए आपको इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इंग्रेडिएंट्स कौन से होंगे आपके, आपको शुगर चाहिए, आपको मिल्क चाहिए, राइस चाहिए। ओके, सो दीज आर द इंग्रेडिएंट्स विच हेल्प यू टू मेक योर फेवरेट डिश। ओके, नेक्स्ट आपके चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, लिस्ट थ्री रीजंस व्हाई पीपल इन डिफरेंट कंट्रीज ईट डिफरेंट फूड्स। अलग अलग कंट्री में रहने वाले जो लोग हैं वो अलग अलग तरह का खाना पसंद करते हैं और वो खाते हैं, तो ऐसे रीजंस बताने हैं ऐसा क्यों है। तो मैंने जैसे कि आपको बताया था कि अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर रहने वाले जो लोग होते हैं वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। ओके, देखो कुछ जब अगर मैप की बात करें तो देखो अलग अलग जगह पर जो फसल उगती है वो अलग अलग तरह की उगती है। जैसे कि यदि मैं साउथ साइड की बात करूँ तो मैंने आपको बताया साउथ साइड में राइस बहुत ज़्यादा उगते हैं, ठीक है, उगाते हैं लोग। यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पर आप जो है कोको के पेड़ यानी कि जो कॉफ़ी के पेड़ होते हैं, प्लांट जो होते हैं वो आप उगा सकते हैं। प्लस में यहाँ पर आप जो है चाय की खेती कर सकते हैं। सेम ऐसे यदि असम की साइड की यदि मैं बात करता हूँ, तो असम साइड की यदि मैं बात करें तो जो असम साइड में भी क्या है, यहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ का क्लाइमेट कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पर चाय की खेती बहुत आसानी से की जा सकती है। लेकिन यदि मैं हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में चाय की खेती नहीं की जा सकती, क्योंकि इस प्लांट के लिए, टी के प्लांट के लिए ऐसी क्लाइमेट कंडीशन हरियाणा में नहीं है कि यहाँ पर प्लांट उगाए जा सकते हों। तो गुजरात की बात करूँ तो यहाँ पर भी क्लाइमेट कंडीशन ऐसी नहीं है कि टी के प्लांट उगाए जा सकते हों। लेकिन यदि बात करें गुजरात की, गुजरात में राइस उगा सकते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि यहाँ की क्लाइमेट कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पर राइस अच्छे से उग सकते हैं। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की क्लाइमेट कंडीशन ऐसी है कि यहाँ पर जो है गेहूँ अच्छे से उगाए जा सकते हैं और बिल्कुल कम मेहनत से उगाए जा सकते हैं। ओके, सो रीज़न यही है कि अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर जो लोग हैं वो अलग अलग तरह का खाना खाते हैं और खाना खाना पसंद करते हैं। तो बिकॉज ऑफ क्लाइमेट कंडीशन, कुछ उनकी क्लाइमेट कंडीशंस होती है वहाँ की, और कुछ होता है कि वहाँ जो लोग रह रहे हैं वो कैसा खाना उनको पसंद है, स्पाइसी फूड पसंद है किस, तो वो डिपेंड करता है वहाँ की सिचुएशंस के ऊपर। ओके, लिस्ट योर, ये हो एक सेकेंड, हो चुका है ये वाला, है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल हाउ द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस अफेक्ट द फूड चॉइसेस ऑफ पीपल। जो क्लाइमेट जो है अलग अलग जगह का वो कैसे अफेक्ट करता है पीपल की चॉइसेस को। तो देखो अलग अलग जगह पर रहने वाले जो लोग हैं उनकी जो चॉइस है खाना पसंद करना जो है वो डिपेंड कर रहा है कि वो उन्होंने बचपन से क्या चीज़ें खाते हैं वो। फॉर एग्जांपल यदि आप गेहूं की जो रोटी है, जो रोटी आप खाते हो वो डेली आप खा रहे हो, ठीक है, यदि आपको चावल दिए जाएं डेली तो आप नहीं खा पाओगे। क्यों? क्योंकि आप जिस क्लाइमेट कंडीशन में आप रह रहे हो वहाँ पर गेहूँ की खेती की जाती है और आपने बचपन से वही चीज़ जो है वो खा रहे हो। तो दैट्स वाई जो क्लाइमेट कंडीशंस होती हैं वो अफेक्ट करती हैं पीपल की खाने की चॉइसेस को। ओके, ये आपका सेकंड क्वेश्चन है।
अब थोड़े से बात कर, अब मैं वापस अपनी जो स्टोरी के ऊपर आता हूँ। स्टोरी में हुआ क्या कि जब मैं सुपरमार्केट से वापस आया, अब मैंने सारा सामान ले रखा था सुपरमार्केट से, आटा ले रखा था। अब है ना, मुझे है ना कुछ समझ में नहीं आ रहा था। समझ में क्या नहीं आ रहा था कि जब मैंने बड़े बड़े पैकेट्स देखे आटे के, जो आशीर्वाद जो आटा जो मार्केट में आते हैं, तो उस टाइम भी आता था। तो हुआ क्या कि जब मैंने आटे के, तो मुझे है ना ये समझ में नहीं आ रहा था कि आटा आया कहाँ से, क्योंकि माइंड क्या था, बार बार क्वेश्चंस पुटअप करता था मुझसे। तो मैं मुझे उसका आंसर नहीं पता था कि कहाँ से आया। तो मम्मी से पूछा, तो मैंने पूछा, मम्मी जो आटा है वो कहाँ से आया? तो मम्मी बोली सुपरमार्केट से आया। तो बोले कि अच्छा, मैं सुपरमार्केट से कहाँ से आया? तो उन्होंने बताया कि जो आपका जो आटा होता है वो गेहूं से आता है। मैं, गेहूं से कैसे आता है? बोले कि गेहूं को पीसना पड़ता है, और पीसने के बाद उसका बारीक हो जाता है, चूरा हो जाता है, और उस चूरे को हम आटा कहते हैं। मैं, अच्छा। फिर मैंने पूछा तो गेहूं कहाँ से आया? तो उन्होंने बताया कि जो गेहूं है वो आपके प्लांट से मिलता है। गेहूं का एक पौधा उगाया जाता है किसानों के द्वारा, और बाद में जब उस फसल को काटते हैं तो उसके जो सीड्स होते हैं, गेहूं के सी उस प्लांट के सीड्स होते हैं, वो जो सीड्स होते हैं वो गेहूं के दाने होते हैं। उन दानों को पीसकर आटा बनाया जाता है, और आटे से जो आपके जो है रोटी बनाई जाती है। तो मैंने पूछा, अच्छा ठीक है। अब फिर मैंने पूछा कि जो ये दो जो एग है ये कहाँ से आए? तो मम्मी ने बताया कि ये जो है मुर्गी से आए थे। तो ठीक है। अब मुझे एक और चीज़ दिखी, जब सामान में अपने पॉली बैग से निकाल रहा था, तो मुझे जो है बेसन दिखा। अब मैंने पूछा कि जैसे आटा गेहूं से आया है, और गेहूं गेहूं के प्लांट से आया है, और गेहूं का प्लांट जो है, तो ऐसे मुझे अब मैदा के बारे में और जो आपकी जो बेसन है उसके बारे में भी यही जो कन्फ्यूज़न थी। अब मुझे हुआ क्या कि मैंने कन्फ्यूज़न दूर करने से के लिए मैंने पूछा कि मम्मी जो बेसन है ये कहाँ से आता है? तो मम्मी ने बताया कि जो आपकी जो पीली जो दाल होती है उसको क्या किया जाता है, उसको पीसा जाता है, उसको पीस कर, और फिर जो है उसकी सब्जी उसको जो है पीस कर उसका जो है बेसन बनाया जाता है। फिर तो इसी तरह फिर मैंने पूछा मैदा कहाँ से आता है? तो मैदा, उन्होंने बताया कि जो मैदा होती है वो चावल से मिलती है। तो ऐसे जो बहुत सारे क्वेश्चंस थे वो मैंने मम्मी से पुटअप किए, हर चीज़ के बारे में पूछा कि एग कहाँ से आता है, जो चीज़ होता है जो वो कहाँ से मिला, बटर मिल्क कैसे बनता है। तो ऐसे जो बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो मेरे द्वारा जो है पुटअप किए गए मम्मी से। ओके, अब उन चीज़ों को जो मैं एक बार साइड करते हैं, अब वापस आते हैं अपनी चीज़ों का, अपनी पार्टी में जो है वापस आते हैं। पार्टी में अब हुआ क्या कि मुझे अलग अलग जो है चीज़ें जो है बनानी थी, क्योंकि मम्मी को की जो हेल्प मुझे जो है खाना बनाने के लिए करनी थी। तो अब मुझे खीर बनानी थी, तो खीर बनाने के लिए मैंने क्या किया, अलग अलग जो है इंग्रेडिएंट्स लिए और उनको जो है ऐड कर दिया किसके अंदर, एक दूसरे में जो है ऐड किया, और फिर मैंने ऐसे करके जो है अपनी जो है चीज़ें जो है वो अच्छी अच्छी बनाई। अब कुछ टाइम बाद मुझे क्या है, एक चीज़ और दिखी। जब मैंने पॉलीबैग से निकाला तो मुझे दिखा कि एक शहद का डब्बा था। जब मैंने उस शहद के डब्बे को में से शहद निकाला और उसको टेस्ट किया, तो टेस्ट उसका मीठा था। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि जो ये इतना मीठा शहद कैसे है। तो मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी जो ये शहद है ये क्या चीनी से बनता है? तो मम्मी ने कहा कि किसने कहा तेरे को कि ये चीनी से बनता है? मैंने कहा मम्मी ये इसका जो टेस्ट है वो है ना मुझे मीठा लग रहा है। तो हो सकता है कि कई चीज़ों को मिलाकर जो है चीनी से जो है शहद को बना दिया गया हो। तो मम्मी ने कहा नहीं, होता क्या कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, फ्लावर के अंदर से रस चूसती हैं,
और उस रस को अपने हनी भी अपने जो है बिहाइव के अंदर स्टोर करती हैं, और जो उनका जो मीठा रस होता है फूलों का वो उनको स्टोर करती रहती है अपने बिहाइव के अंदर। और लोग क्या करते हैं, उस छत्ते उस जो बिहाइव है उससे क्या है उस शहद को निकाल लेते हैं। दैट्स वाई जो आपका आपका शहद है वो मीठा होता है। ओके नाउ लेट सम क्वेश्चंस। चलो अभी स्टोरी जो है इतनी ही थी, बाद में मैंने जो है मेरी पार्टी जो है मेरे बहुत सारे जो है मेरे फ्रेंड्स थे वो आए। मैंने हर एक फ्रेंड के लिए जो है अलग स्पेशल डिश बना रखी थी, तो मैंने सभी को वो जो है अपनी डिश दी उनको, और मेरी पार्टी बहुत ज़्यादा अच्छी हुई और वो पार्टी मुझे आज तक याद है। ओके अब थोड़ी सी क्वेश्चंस पर आते हैं। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो शायद हो सकता है कि जो मैंने आपको स्टोरी बताई मेरी उस स्टोरी से आपके जो ये क्वेश्चंस हैं वो आपके सोल्व हो जाएं, तो आप एक बार ट्राई करना कि आपको वो क्वेश्चंस आते हैं या नहीं। ओके आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, लिस्ट फाइव फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। आपको पांच फूड आइटम बताने हैं। ओके वी गेट फ्रॉम जो कि हाँ प्लांट्स से मिलते हो, तो खाने की जो चीज़ें जो कि आपको प्लांट से मिलती है, तो हम पांच चीज़ों के में हम बात कर जो तो मैं देख सकता हूँ एप्पल प्लांट प्रोडक्ट है क्योंकि प्लांट से मिलता है। मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर आप बताओ। यस ऑरेंज लिख सकते हैं क्योंकि ऑरेंज भी जो है फूड आइटम है जो कि प्लांट से मिलता है। सेम एज इट इज वाटरमेलन मैंगो राइस वीट। ओके दीज आर द फूड सब्सटेंस दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसकी यदि मैं बात नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसकी बात करते हैं, लिस्ट फोर फूड आइटम्स दैट वी गेट फ्रॉम एनिमल्स। अब एनिमल्स से मिलने वाले जो आपके फूड आइटम्स हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम पढ़ेंगे, तो उसके देखो कौन कौन से फूड आइटम्स हैं जो कि एनिमल्स से मिलते हो। तो आपका जैसे कि मिल्क काओ से मिलता है, बफेलो से मिल, तो बफ काओ और बफेलो क्या है एनिमल्स हैं। ओके तो मिल्क हो गया, फूड आइटम जो है एनिमल्स से बनते हैं। ओके एग जो अंडे होते हैं जो एग होते हैं वो भी आपके एनिमल प्रोडक्ट हैं। सेम एज इट इज़ और आप बताओ फूड आइटम्स। यस हनी, हनी जो है आपका कहाँ से मिलता है। यस बिहाइव से, और बिहाइव से कहाँ कैसे मिलता है हनी बी के द्वारा, यानी कि जो आपका हनी है वो हनी बी से मिलता है, तो हनी बी तो एक एनिमल्स में आ जाते हैं है ना। तो हमारे पास तीन एनिमल्स हो गए जिनसे हमें खाना मिलता है। और क्या मिलता है फ्लैश यानी कि मांस। लोग आपको पता होगा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मांस भी खाते हैं यानी फ्लैश भी खाते हैं। ओके सो दीज आर द इन फूड आइटम्स वी गेट फ्रॉम द एनिमल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है आपका, कैटेगराइज द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स बेस्ड ऑन द सोर्स प्लांट्स एंड और एनिमल्स। आपको कुछ सोर्स बताने हैं कि ये आपको इंग्रेडिएंट्स दे रखे हैं जो आपको बताने के वो एनिमल प्लांट प्रोडक्ट है फिर एनिमल प्रोडक्ट है। तो इंग्रेडिएंट्स हैं आपके फ्रूट्स हनी मिल्क वेजिटेबल ग्रेन्स एंड मीट। फ्रूट्स की बात करें तो जो फ्रूट्स हैं वो आपके प्लांट्स प्रोडक्ट हैं एनिमल प्रोडक्ट। यस जो फ्रूट्स हैं वो आपके प्लांट प्रोडक्ट हैं। हनी की बात करें हनी एनिमल प्रोडक्ट, मिल्क एनिमल प्रोडक्ट, वेजिटेबल यस प्लांट प्रोडक्ट, ग्रेन्स जो दाने होते हैं जैसे गेहूं के दाने तो वो क्या है आपके प्लांट प्रोडक्ट। मीट जो होता है मांस जो होता है फ्लैश जो होता है वो भी क्या है आपका एनिमल एनिमल से मिलता है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 4.4 क्वेश्चंस पर चलते हैं। नेम टू इंग्रेडिएंट्स इन अवर फूड
दैट आर ऑब्टेन्ड नाइदर फ्रॉम प्लांट्स एंड नॉर फ्रॉम फूड्स। तो आपको यहाँ पर इंग्रेडिएंट बताने हैं जो कि ना तो प्लांट से मिलते हैं और ना ही आपके एनिमल से मिलते हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कोई ऐसा इंग्रेडिएंट्स या फिर ऐसा फूड आइटम जो कि हमें ना तो प्लांट से मिलता है ना ही एनिमल से मिलता है? क्या आप सोच सकते हैं ऐसा कोई चीज़ है जो हम खाते हैं और ना तो प्लांट से मिलती है और ना ही एनिमल से? यस, ऐसी चीज़ भी है जो ना तो प्लांट से और ना एनिमल से, वो है आपका मशरूम। यदि बात करें तो जो मशरूम जो होते हैं, मशरूम्स की यदि मैं बात करें तो जो मशरूम होते हैं वो फंगी से बनते हैं। फंगी जो है एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगी जो है वो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी बहुत ही छोटा जीव है। उस क्या होता है, जो प्लांट के जो डीके पार्ट्स हैं, यानी कि जो होता क्या है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो फंगी जो है वो क्या करती है, डेड प्लांट्स होते हैं उनको खाते हैं और क्या करते हैं, अपनी मशरूम बनाते हैं। जो मशरूम होते हैं वो फंगी होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे फंगी भी होते हैं जो कि हमारे खाने के लिए यूज़ होते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं आपका। राइट द मीनिंग ऑफ वर्ड सोर्स एंड मेक ए सेंटेंस यूजिंग दिस वर्ड। आपको एक मीनिंग, राइट द मीनिंग ऑफ वर्ड सोर्स एंड मेक ए सेंटेंस यूजिंग दिस वर्ड।